सेकंड ग्रुप, ठीक है, सेकंड ग्रुप का है, ठीक है। और एक और होता है इसमें अनयूजुअली, BEF2, BEF2 हैज मोर सॉल्युबिलिटी इन H2O देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, रीजन अननोन है, ठीक है, अनयूजुअल बिहेवियर है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आयनिक फॉर्म बनने की वजह से हो सकता है, अनयूजुअली आयनिक फॉर्म फॉर्मेशन आप ऐसा कह सकते हैं, या ठीक एंड कहीं जनरली वैसे इसके कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है ड्यू टू इट्स आयनिक करेक्टर, आयनिक नेचर, ठीक। तो इस तरह से ये है सॉल्युबिलिटी का, ठीक, इन्हीं में से कोई सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी जाएगी कि किसकी सॉल्युबिलिटी डिग्री। तो जनरल केस अगर ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगी सॉल्युबिलिटी उसकी, और अगर इनमें से कोई है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो बस ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, बता दूंगा कभी अगर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स जैसे मतलब इफ़ ऐसे लिख देता हूँ मैं, इफ़ द सॉल्ट रिक्वायर्ड मोर हीट टू डिकम्पोज देन इट इज सेड टू बी थर्मली मोर स्टेबल, ठीक है, ऐसा कहा जाता है उसे। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CS2, तो ये इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, ये स्टेबिलिटी है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स हैविंग लार्ज साइज एनायंस, मेनली लार्ज साइज एनायंस सभी होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट एच एंड हेलोजन, ठीक है, सभी जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक, एटसेट्रा, इस तरह से ऑलमोस्ट सभी, ठीक है, बस हाइड्रोजन और हेलोजन को छोड़ दो, उसमें कंसिडर नहीं करते इसे। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट हैविंग लार्ज साइज एनायंस, लार्ज साइज एनायंस, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज, इंक्रीज लिख देता हूँ,
इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप वेयर एज डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड. अलोंग का मतलब होगा लेफ्ट राइट, अलोंग द पीरियड ध्यान रखना. अलोंग कहने का मतलब है लेफ्ट टू राइट ही चलना है आपको, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो ये होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी ऐसा. अब इसे देखो याद रखने के लिए तो लार्जर कैटायन याद रख सकते हो. ठीक है, वी कैन सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज साइज ऑफ कैटायन. ठीक है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर होता है. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आगे कभी पढ़ोगे तब एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आएगा. ठीक है, अभी तो अब लर्न करने के लिए एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, बट वी कैन सॉल्व इट बाय द आयोनिक साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी. जिसका साइज बड़ा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, या सीजियम का साइज बड़ा है कैटायन का, लिथियम का साइज छोटा है, तो ऐसे. ठीक है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो इसका इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड होता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, आगे वैसे पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में. Li2CO3, ठीक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है Li2O+CO2. ठीक है, और इसे हीट करना पड़ता है. दूसरा रिएक्शन है डेल्टा मीनिंग हीटिंग, डेल्टा का मीन्स हीटिंग है. ये है थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग. ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग है. अब इसमें विच वन इज़ फेवरेबल और विच वन इज़ नॉट फेवरेबल. ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 टेम्परेचर, यहाँ लिख देता हूँ T2 टेम्परेचर, तो इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा. इफ़ द प्रोडक्ट आर स्टेबल, ठीक है, Li2O इट इज़ मोर स्टेबल देन दैट ऑफ CH2O, यानी ये है लेस स्टेबल. ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम गोज टू इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर स्टेबल, देयरफॉर इक्विलिब्रियम गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लेस टेम्परेचर. कंपेरेटिवली लेस टेम्परेचर, ठीक है, और ये लेस स्टेबल है, तो इसके लेस स्टेबल होने से क्या होगा, लेस स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी इट अगेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म
CH2CO3 means equilibrium shifts in backward direction. इक्विलिब्रियम को आप रिएक्शन भी कह सकते हैं. रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स या देयरफॉर मोर हीट रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि जो रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहता है उसे अगर आपको फॉरवर्ड ले जाना है T2 इज ग्रेटर देन T1. तो ये तो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होता है. बाकी हम इसे साइज से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ या अभी आपको नहीं कि समझ में आएगा क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है. आगे आप नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, कमिंग चैप्टर आएंगे, गैसेज स्टेट वगैरह आए, थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा 11th में, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे इक्विलिब्रियम है, तब ये अच्छे से समझ में आएगा. अभी लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है. चलिए तो ये है थर्मल स्टेबिलिटी. तो किसी के लिए भी थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे. ठीक, नेक्स्ट. इसके बाद एक वर्ड